निरंकारी मिशन के प्रमुख रहे बाबा हरदेव सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर संपन्न किया गया। बाबा हरदेव कनाडा में बीते शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। सोमवार को बाबा हरदेव सिंह का शव कनाडा से दिल्ली लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में रखा गया था। बुधवार सुबह हरदेव सिंह की अंतिम यात्रा बुराड़ी से शुरू हुई, जिसमें उनके लाखों भक्त शामिल हुए। यही नहीं, निगम बोध घाट पर भी बड़ी संख्या में उनके भक्त पहुंचे। सड़क हादसे में मारे गए उनके दामाद का भी अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। बाबा के अंतिम संस्कार में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भी शामिल हुए। बाबा हरदेव सिंह की पत्नी सुविंदर कौर को अब निरंकारी मिशन का प्रमुख बनाया गया है। एटीएस की गिरफ्त में आया साल 2002 में हुए गोधरा कांड का मास्टरमाइंड फारूक। दंगे में मारे गए थे 1200 से अधिक लोग। गुजरात एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी उस समय लगी जब आज गोधरा कांड में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी फारूक भाणा को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। फारूक 2002 में हुई घटना के बाद से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद वो मुंबई के पास छिपा था। आपको बता दें कि गोधरा कांड में साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में आग लगा दी गई थी। इसमें मरने वाले ज्यादातर लोग कार सेवक थे जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे। शुरुआत में इस कांड के 107 आरोपी थे, जिनमें से 5 की प्रक्रिया के दौरान ही मौत हो गई। 8 अन्य किशोर थे जिन पर अलग अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस मामले में कुल 94 लोगों को आरोपी बनाया गया है। फारूक इस कांड का मुख्य आरोपी है। गोधरा कांड के बाद बड़े पैमाने पर गुजरात में हिंसा भड़क गई थी और कई जगह सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। साल 2011 में एक विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया था, जबकि 63 लोगों को रिहा कर दिया गया था। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने ट्विटर पर गांधी परिवार के खिलाफ अप्रत्याशित रूप से जंग छेड़ दी है। उन्होंने देश में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे जाने के खिलाफ सख्त एतराज जताया है। ऋषि कपूर ने इस बार अप्रत्याशित रूप से गांधी परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने देश में कई जगहों और संपत्तियों के नाम नेहरू गांधी के नाम पर रखे जाने की कड़ी आलोचना की है। ऋषि ने लगातार कई ट्वीट किए और गांधी परिवार के पूर्वजों के नाम पर रखे गए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी का नाम राजीव गांधी उद्योग जैसे नाम पर सवाल उठाए हैं। ऋषि कपूर का कहना है कि ज्यादातर संपत्तियों पर गांधी फैमिली का नाम क्यों है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम गांधी के नाम पर क्यों है? इसका नाम भगत सिंह भी हो सकता था या फिर ऋषि कपूर भी। ऋषि ने पहला ट्वीट किया है कि गांधी परिवार पर कांग्रेस के रखे नामों को बदला जाए। बांद्रा वर्ली सी लिंक का नाम लता मंगेशकर या JRD टाटा के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि क्या इसे बाप का माल समझ रखा है। उन्होंने लिखा कि जब दिल्ली की सड़कें बदल सकती हैं, तो कांग्रेस की संपत्ति या प्रॉपर्टी के नाम क्यों नहीं बदले जा सकते। चंडीगढ़ में था तो वहाँ भी राजीव गांधी की संपत्ति, सोचो क्यों। ऋषि कपूर ने ट्विटर पर लिखा है कि देश में संपत्तियों का नाम ऐसे लोगों के नाम पर रखा जाना चाहिए जिन्होंने देश और समाज के निर्माण में कुछ सहयोग किया हो। हर चीज पर आखिर गांधी परिवार का नाम क्यों? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आप भी सोचना। IAS अशोक सिंह भी GS संधू के बाद अब ACB टीम ने एक और IAS पर अपना शिकंजा कसा है। जी हाँ, ACB टीम ने आज IAS नीरज के पवन के 10 ठिकानों पर कार्रवाई की है। दरअसल NRHM टेंडर घोटाले की जांच ACB पिछले 7 महीने से कर रही थी और इसी दौरान ACB ने एक दलाल को गिरफ्तार किया था और उस दलाल से जब पूछताछ की गई तो उसने इस बात की जानकारी ACB को दी थी कि IAS नीरज के पवन ने लगभग 1.5 करोड़ की रिश्वत इस पूरे NRHM टेंडर घोटाले के दौरान ली है, जिसकी जांच ACB लगातार कर रही थी। और वहीं ACB ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 20 टीमों का गठन कर 10 जगह पर छापेमारी की है। सुबह 6 बजे से लगातार ACB की 20 टीमें 10 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें NRI कॉलोनी स्थित IAS नीरज के पवन का आवास, उनके दफ्तर और इसके साथ ही जहां जहां पूर्व में नीरज के पवन पदस्थापित थे उन सभी कार्यालयों में ACB टीम की छापेमारी जारी है। इसके अलावा ACB टीम उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो नीरज के पवन के परिचित हैं और जिन्हें NRHM का टेंडर दिया गया था। फिलहाल ACB की कार्रवाई जारी है और देर रात तक ACB की कार्रवाई चलने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। वहीं ACB कार्रवाई के दौरान नीरज के पवन के आवास से विदेशी शराब भी बरामद की गई है और वहीं एक्साइज ड्यूटी एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल देखना ये होगा कि ACB की कार्रवाई कब तक जारी रहती है और NRHM टेंडर घोटाले के मामले में ACB कितना जल्द IAS नीरज के पवन को गिरफ्तार करती है। सूबे में गर्मी का सितम लगातार जारी है। सुबह से ही तेज धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और आसमान से आग बरसने का सिलसिला भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। आज सुबह से ही तेज धूप ने लोगों का बाहर निकलना मुहाल कर दिया।
आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवाओं और धूप की तेज तपिश की वजह से लोग और ऑफिस से बाहर कम निकल रहे हैं। वहीं सड़कों पर भी चहल पहल देखने को कम मिल रही है। जो लोग बाइक से सड़क पर निकल भी रहे हैं वो हेलमेट और सफेद कपड़े से पूरी तरह सर को ढक कर निकल रहे हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तपिश का असर देखने को मिल रहा है। इससे बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अभी गर्मी से निजात के आसार नहीं दिख रहे हैं। आगामी 24 घंटों में गर्मी का कहर लगातार जारी रहेगा। ऐसे में सलाह है कि लोग घरों से कम ही निकलें। साध्वी प्रज्ञा सिंह के जिद के आगे आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार झुकी गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह पुलिस की सुरक्षा में सिंगर कुंभ में स्नान करेंगी तो साथ ही महाकाल की पूजा अर्चना भी करेंगी। साध्वी प्रज्ञा आखिरकार सिंहस्थ मेले में हिस्सा लेने के लिए भोपाल से उज्जैन रवाना हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि उन्हें सिंहस्थ में जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद उन्हें जाने दिया गया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि सच की जीत होगी। बहरहाल उन्हें उज्जैन के लिए रवाना कर दिया गया। उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए पहले उन्हें एम्बुलेंस से ले जाने की योजना थी, लेकिन एम्बुलेंस में एसी न होने की वजह से उन्हें फॉर्च्यूनर में भेजा गया। उज्जैन के लिए रवाना होने से पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं निर्दोष थी, निर्दोष हूँ और निर्दोष ही रहूंगी। सत्य की जीत होगी, सत्य में जयते। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह को सिंहस्थ कुंभ में जाने की इजाजत न मिलने से वे अनशन में बैठ गई थी और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर उन्हें उज्जैन नहीं जाने दिया गया तो वो जल समाधि ले लेंगी। भारत में विकसित और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण सेना का यूजर ट्रायल के रूप में किया गया। सैनिकों की मौजूदगी में सेना ने ये परीक्षण किया। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी ये मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों को साथ 350 किलोमीटर तक दुश्मन पर अटैक कर सकती है। भारत ने पिछली फरवरी में भी पृथ्वी 2 का कामयाब टेस्ट किया था। डीआरडीओ ने स्वदेशी की से ये मिसाइल बनाई है। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल 500 से 1000 किलोमीटर वजनी न्यूक्लियर हथियार से दुश्मन के ठिकानों को हमला करेगी। ये जमीन से 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। एडवांस टेक्नोलॉजी वाली पृथ्वी 2 मिसाइल में 2 इंजन लगाए गए हैं और अग्नि मिसाइल के बाद ये भारत की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे पहले 15 मई को बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली हासिल करने के प्रयास के तहत भारत ने स्वदेशी सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। मिसाइल उसकी ओर आने वाली किसी भी शत्रु बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखती है। पृथ्वी के इस टेस्ट को भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब माना जा रहा है। पाक एनएसए सरताज अजीज ने सोमवार को कहा था कि लगातार मिसाइल के परीक्षण से रीजन में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। आजम के विरोध को दरकिनार कर सपा मुखिया मुलायम सिंह द्वारा अमर सिंह को राज्यसभा के किए गए फैसले पर बोले आजम नाराज। आजम ने अमर सिंह की वापसी को बताया मालिक का फैसला, कहा मालिक के फैसले का विरोध करना हमारे अधिकार क्षेत्र से है बाहर। अमर सिंह को सपा की ओर से राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर रामपुर में आजम खान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दुखद मामला है और ये अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फैसला मालिक का है, इसीलिए मालिक के इस फैसले को चुनौती देने का किसी को अधिकार नहीं है। जिसके बाद आजम खान ने जयप्रदा की भी सपा में ज्वाइनिंग को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि जो किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, हमें भी हक है, हम कह सकते हैं, लेकिन मालिक के फैसले के आगे फिर किसी का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि मंगलवार को संसदीय बोर्ड की बैठक में आजम ने अमर सिंह के नाम पर का प्रस्ताव आते ही कड़ा विरोध जाहिर कर मुलायम सिंह यादव से मुखातिब होकर कहा था कि मुझे इस नाम पर ऐतराज है, लेकिन पार्टी आपकी है। जिसके बाद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आजम के इस विरोध को दरकिनार कर अमर सिंह को राज्यसभा में भेजे जाने का फैसला कर दिया। जिसकी जानकारी देने पहुंचे शिवपाल यादव से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो शिवपाल ने कहा कि नेताजी ने कह दिया है कि अमर दिल में रहते हैं, दिल से बड़ी कोई चीज नहीं होती, वह पार्टी में कब शामिल होंगे इसे नेताजी और अमर सिंह बैठ कर तय कर लेंगे। हालांकि इस संबंध में जब बीजेपी सांसद आदित्यनाथ योगी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सपा एक डूबता हुआ जहाज है, अच्छा है कि डूबने वाले एक साथ आकर डूबे। राजधानी पुलिस की कमान संभाली है लेडी सिंघम ने। 2005 बैच की आईपीएस मंजिल सैनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कप्तान का पद संभालने वाली पहली महिला है।
राजधानी पुलिस की कप्तान संभाली है महिला सिंघम ने। 2005 बैच की आईपीएस मंजिल सैनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कप्तान का भार संभालने वाली पहली महिला है, जहां इससे पहले आज तक प्रदेश की राजधानी में कभी भी महिला कप्तान के पास कप्तान का चार्ज नहीं रहा। वहीं मंजिल सैनी के आने के बाद से ही कई सारी सकारात्मक बातें सुनने को मिल रही हैं। साथ ही साथ देखना होगा कि मंजिल सैनी अपराध और अपराधियों पर, साथ ही राजनैतिक दबाव पर किस तरह से काबू। राजधानी की पहली लेडी कप्तान मंजिल सैनी ने जहां पदभार संभालने के बाद कहा कि लखनऊ उनके लिए चैलेंज की तरह होगा, वहीं देखना होगा कि अपराध के ग्राफ पर कितना काबू पाया जाता है। बीजेपी उत्तराखंड कोर कमेटी की बैठक में छाया रहा समाचार प्लस के स्टिंग का मुद्दा। हरीश रावत के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद सीबीआई जांच के मुद्दे पर हुई पूरी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय भट्ट, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज समेत तीरथ सिंह रावत, रामलाल समेत केंद्र और राज्य के तमाम बीजेपी नेता मौजूद थे। बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली। हालांकि बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद खंडूरी, कोश्यारी और सतपाल महाराज बाहर निकलते हुए नजर आए। पूरी बैठक में इस बात पर भी माथापच्ची हुई कि कांग्रेस के 10 बागी विधायकों को कब और कैसे पार्टी में ज्वाइन करवाया जाए। हालांकि बैठक के बाद किसी भी नेता ने बागियों को पार्टी में शामिल करने की तारीख नहीं बताई। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में इलेक्शन मोड में पार्टी आ गई है। 26 मई को सहारनपुर के रैली के जरिए पीएम मोदी अपनी 2 साल की रिपोर्ट कार्ड देंगे, जिसके बाद यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। सियासी संकट के दौरान केंद्र को जमकर कोसने वाले सीएम हरीश रावत ने अब केंद्र सरकार के सामने ही वित्तीय मदद की भारी भरकम मांग रख दी है। सियासत के खेल भी निराले हैं, यहाँ कब किसी को कोसना और फिर कब उसी से दुहाई मांगनी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड में मार्च महीने में सियासी उथल पुथल मचा तो कांग्रेस और भाजपा में जबानी जंग भी छिड़ गई। सीएम हरीश रावत से लेकर हर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लगातार निशाने पर रखा, लेकिन बड़े सरकार तो बड़े सरकार सही, लिहाजा सत्ता में वापसी के बाद अब छोटे सरकार को याद आई है कि राजकाज चलाना है तो धन भी चाहिए, और वो भी उसी केंद्र से जिसे गरियाते जवान नहीं थक रही थी। लिहाजा पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य को निरीह बताते हुए केंद्र से मांगों का लंबा चौड़ा पुलिंदा मीडिया के सामने रख दिया। सीएम हरीश रावत के सियासी पैतरे की भाजपा बखिया उधेड़ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर विकास कार्यों को लेकर इतने ही संजीदा हैं, तो मीडिया में बयान देने की बजाय प्रस्ताव लेकर केंद्र के पास जाएं। केंद्र सरकार के लगभग 2300 करोड़ की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। गंगा संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को लॉन्च किया है, जिसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद FRI ने नमामि गंगे योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दी है, जिसमें गौमुख से लेकर गंगा सागर तक एक ही तरीके से काम करने की बात कही गई है। प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ओमवीर सिंह का कहना है कि हमने DPR तैयार करने में हर पहलू की बारीकी से जांच की है, जिसमें 5 राज्यों से गुजरने वाली 2525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी को एक ही रिवर एस्केप में काम करने की बात कही गई है। वह गंगा संरक्षण में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसके लिए भी DPR में खासा जोर दिया गया है। गंगा देश की धार्मिक नदी है और इसकी महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना को लॉन्च किया है। देखना दिलचस्प होगा कि FRI के DPR में सुझाए गए उपायों को केंद्र सरकार कितना अमल में लाती है। राज्य में चार धाम यात्रा शुरू हो रखी है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम के बंगले हैं जो जर्जर हालात में हैं, लेकिन इसको दुरुस्त करने के बजाय खुद विभाग के मंत्री अब होटलों से ही होने वाले पैसों की भरपाई पर ही इनको दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इनके अतिथि सत्कार का जिम्मा राज्य के पर्यटन महकमे का है, लेकिन यात्रा मार्ग पर बने सरकारी होटल आज अपनी बदहाली का रोना रोने को मजबूर हैं। ऐसे में भला पर्यटकों को महंगे होटलों में ही रुकने को मजबूर होना पड़ रहा है। घाटे में चल रहे गढ़वाल मंडल विकास निगम को उभारने के लिए न सरकार ही गंभीर है और न ही अधिकारी। ऐसे में निगम के होटलों को सुधारे जाने के लिए अब बजट का रोना रोया जा रहा है। दरअसल राज्य के पर्यटन मंत्री के पास ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष पद का भी जिम्मा है, लेकिन वो भी हालातों को सुधारे जाने के बजाय यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि GMVN खुद में ही एक व्यावसायिक संस्था है। ऐसे में निगम के अधिकारियों को ही इसके हालातों के बारे में सोचने की जरूरत है, जिससे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें।
गढ़वाल मंडल विकास निगम के बंगलों के हालातों को सुधारे जाने के बजाय खुद विभागीय मंत्री हैं जो अधिकारियों को नसीहत दे रहे हैं कि उनको बंगलों के बारे में सोचने की जरूरत है, जिससे वहां लोग आ भी सकें और वहां पर जो है व्यवसाय भी बढ़ सके। अंदाजा लगाया जा सकता है विभागीय मंत्री अपने विभाग को लेकर कितने गंभीर हैं। गर्मी से जूझ रहे प्रदेश को फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में जारी शुष्क सेल एक्टिवेटेड है, जबकि नमी खत्म हो चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान गर्मियों में तप रहे हैं। हालांकि कुछ उम्मीद बारिश की 21 मई के बाद जरूर दिख रही है। राज्य में गर्मी का तापमान 40.3 डिग्री राजधानी देहरादून में पार कर चुका है, जबकि कुमाऊं के शहरों का भी बहुत बुरा हाल है। ये बात अलग है कि यात्रियों की संख्या में हो रहा इजाफा गर्मी के कारण ही है कि जो मसूरी नैनीताल के साथ साथ चारधाम यात्रा में फोकस दिख रहा है। निदेशक मौसम विभाग के मुताबिक शुष्क मौसम का असर के कारण ही राज्य के मैदानी जिलों में लू से लोग हलकान रहेंगे और जो पारा 41.3 डिग्री तक पहुंचा, ये 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम नहीं की जा सकती, क्योंकि शुष्क सेल फिलहाल हटता नहीं दिख रहा और पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आने के फिलहाल कोई आसार नहीं है, जिसके चलते बारिश की कोई स्थिति बनती दिखे। हालांकि पहाड़ के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की ठंडी हवा और कुछ मामूली बूंदाबांदी हो सकती है। गर्मी का आलम इस कदर भी समझा जा सकता है कि राजधानी देहरादून में सुबह 11 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगता है, तो शाम ढलते ही रौनक आती है। बहरहाल मौसम का ये बदलते ट्रेंड में लोग गर्मी से बचने के प्रयास करें तो बेहतर होगा ही, साथ ही गर्म चीजों से बचाव के लिए जरूरी डॉक्टरों की सलाह का भी पालन करें। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रूबरू कराने के मकसद से आगरा में दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क विकसित किया जाएगा। आज इस सिलसिले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और अभिनेता संजय खान की मौजूदगी में UPSIDC और विकासकर्ता कंपनी किंगडम के साथ एक करार संपन्न हुआ। आगरा में प्रस्तावित थीम पार्क को लेकर आज अभिनेता संजय खान की कंपनी किंगडम के साथ यूपी सरकार ने करार किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और संजय खान की मौजूदगी में UPSIDC और किंगडम के बीच मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर करार संपन्न हुआ। इस थीम पार्क को विकसित करने के लिए करार के मुताबिक किंगडम 10,000 करोड़ का पूंजी निवेश करेगा। इस पूरे थीम पार्क को 5 चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें मोहनजोदड़ो से लेकर अकबर काल तक की सभ्यता और संस्कृति का दर्शन कराने वाले 7 शहर विकसित किए जाएंगे और इन सारे शहरों को मोनो ट्रेन से जोड़ा जाएगा। किंगडम कंपनी के मालिक संजय खान का दावा है कि 3 साल के भीतर पहले चरण का काम संपन्न हो जाएगा, जबकि अगले 10 साल में थीम पार्क पूरी तरह से विकसित कर लिया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यटन नवनीत सहगल का मानना है कि थीम पार्क के बनने से आगरा आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा तो होगा ही, पर्यटक अब ज्यादा संख्या में आगरा में भी रुकेंगे। जबकि UPSIDC के MD मनोज सिंह ने बताया कि विकसित होने के बाद थीम पार्क के संचालन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकासकर्ता कंपनी को थीम पार्क विकसित करने के लिए यूपी में दिलचस्पी दिखाने पर बधाई दी, साथ ही दावा किया कि सबसे बड़ा थीम पार्क बनने से देश ही नहीं विदेशों में भी यूपी की अलग पहचान बनेगी। इस मौके पर बढ़ते तापमान पर पूछे गए सवाल के जवाब में CM अखिलेश यादव ने पिछली माया सरकार में बने पार्कों पर भी निशाना साधा। कहा, जनता को ये देखना चाहिए कि कौन स्टोन पार्क बनाता है और कौन काम करने के बाद माइलस्टोन बनाता है। शामली में पॉलिथीन की एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग के लगने से फैक्ट्री की मशीनें में लाखों की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में लग गई। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के कंडेला इंडस्ट्रीज एरिया की है। यहाँ पर बालाजी पॉलिथीन के नाम से एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई और आग ने चंद ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में लग गई। गनीमत यह रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री मालिक को करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। फिरोजाबाद की जिला जेल में तकरीबन 19 बंदियों ने कड़ी मेहनत के बाद हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास की है। हौसले हो बुलंद तो कोई रुकावट सामने टिक नहीं सकती, इस कहावत का आज सही साबित कर दिखाया फिरोजाबाद की जिला कारागार में सलाखों के पीछे छुपी इन प्रतिभाओं ने। फिरोजाबाद की जिला कारागार में पढ़ाई में लगे इन होनहार छात्रों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को पास ही नहीं बल्कि अच्छे प्रतिशत अंक भी पाए। अलग अलग अपराध में सजा पाए ये युवक अपने बुरे समय को अच्छी जगह उपयोग करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहने का पूरी कोशिश करेंगे। इस होनहार काम को पूरा करने में इनका साथ दे रहा जेल प्रशासन, जो पूरी सुविधाएं देकर
लेकर इन होनहार प्रतिभाओं को पढ़ने की पूरी आजादी देकर मुख्य धारा से जोड़ने में पूरी सहायता दे रहा है। हौसला अफजाई की अगर बात करें तो केवल इन परीक्षा देने वालों को ही नहीं बल्कि उस टीचर को भी है जो इन 19 विद्यार्थियों को शिक्षा देकर इस मुकाम तक पहुंचाया। सभी विद्यार्थी और शिक्षक इसी उम्मीद में लगे हुए हैं कि कब जेल से बाहर आएं और अपनी इस अच्छी प्रतिभा से दुनिया को परिचय कराएं। हौसला अफजाई की अगर बात करें तो अकेले इन परीक्षा देने वालों की ही नहीं बल्कि उस शिक्षक की भी होनी चाहिए जिसने 19 छात्रों को पढ़ाने के बाद इस मुकाम तक पहुंचाया। अब सिर्फ शिक्षक और इन परीक्षार्थियों को इस बात का इंतजार है कि जेल से बाहर जाएं और अपनी प्रतिभा का दुनिया में परिचय कराएं। कुछ दिन पूर्व एक छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले अपने सुसाइड नोट पर आत्महत्या को रोमांचक बताते हुए आत्महत्या कर ली थी। अभी लोग उसको भुला ही नहीं पाए थे कि बीएड की थर्ड ईयर की छात्रा ने आज अपने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट पर उसने चित्र बना करके एक सनसनीखेज मामला ला दिया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के केसर बिहार में तेजपाल की 24 वर्षीय बेटी बीए थर्ड ईयर की छात्रा मोहिनी ने मां की साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। बदहवास भाइयों ने घटना की जानकारी पुलिस और माँ बाप को दी। आसपास के लोगों और दोनों भाई मोहिनी को उतारकर पहले अस्पताल ले गए पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की जांच शुरू की तो छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट साथ ही एक कॉपी में सुसाइड का स्केच मिला। सुसाइड नोट में उसके इस कदम के लिए किसी को दोषी न ठहराना और अपनी मर्जी से सुसाइड की बात लिखी है तो स्केच में एक लड़की फांसी के फंदे में लटक रही है। घर वाले जहां मोहिनी के इस कदम को उठाए जाने और स्केच के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं, वहीं पुलिस मामले में छानबीन के साथ साथ परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन वहीं पे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है उसका सुसाइड नोट, क्योंकि आत्महत्या करने से पहले जिस तरीके से छात्रा ने अपने सुसाइड को मानचित्र के तरीके दर्शाया है कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से चर्चा का विषय बन गया है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा सरकार अब धर्मनगरी के विकास में लगकर अपने उन वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगी है जो उनको वोट नहीं मिलता है। अयोध्या विकास को लेकर सरकार ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि दी है जिसमें अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो सके और बाहरी पर्यटक अयोध्या आ सके। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश सरकार अयोध्या का कायाकल्प करने में जुट गई है। यूपी सरकार हर की पैड़ी की तर्ज पर अयोध्या की राम की पैड़ी बनाने की कोशिश में जुटी है जिसके लिए सबसे बड़ी दुश्वारी राम की पैड़ी के जल प्रवाह को ठीक करना। पैड़ी के जल प्रवाह के लिए अब सरकार ने 12 करोड़ 50 लाख रुपया रिलीज कर दिया है और 10 दिन के अंदर कार्य शुरू करने की उम्मीद है। राम की पैड़ी के कायाकल्प के लिए सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने अयोध्या का दौरा करके इसके लिए हरी झंडी भी दिखाई थी। राम की पैड़ी का जल प्रवाह ऐसा बनाने की कोशिश है जिससे पैड़ी का नहाने योग्य निर्मल पानी रहे। साथ ही सरजू घाट का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इतना ही नहीं अब अयोध्या के मंदिर और सरजू घाट भी रोशनी से जगमगाएंगे और राम की पैड़ी के आसपास जो मंदिर है एक रंग बरंग कर उनकी छटा निराने की कोशिश की जाएगी। शाहजहांपुर में डीएम का ट्रांसफर रोकने के लिए लोगों ने गाड़ी के आगे लेट करके प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि डीएम ईमानदार है और वो उन्हें शाहजहांपुर छोड़ करके नहीं जाने देंगे। शाहजहांपुर में डीएम विजय किरण आनंद के ट्रांसफर को लेकर पूरा जिला सड़कों पर उतर आया है। सड़कों और चौराहों को जाम लगाने के साथ पूरे दिन हंगामे का दौर जारी रहा। डीएम की विदाई के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया और उनकी गाड़ी के सामने लेट गई। इसके बाद डीएम ने लोगों से हाथ जोड़कर रास्ता देने की गुहार लगाई और रवाना हो गई। लोगों ने कहा कि विजय किरण ईमानदार डीएम है, इनका ट्रांसफर नहीं होने देंगे, ऐसे में इनका ट्रांसफर रोका जाए। पूरे जिले में एक साथ हुए हंगामे के कारण पुलिस के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के अधिकारी भी हालत को रोकने में नाकाम रहे। आपको बता दें कि विजय किरण ज्वाइन करने के 39 दिनों के अंदर ही चर्चा में आ गई। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने वाले इस डीएम ने घोटालेबाजों की पोल खोलने शुरू कर दिए थे। साथ ही उन्होंने कई ऐसे अभियान चलाए जिसके कारण उन्होंने आम लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। सूत्रों के अनुसार विजय किरण नगर पालिका में हुए करोड़ों के घोटाले का खुलासा करने की तैयारी में थे, इसी बीच उनका तबादला हो गया।